तीन चार दिन पहले ही मैंने तेरा टीवी में क्रियाक्रम देखा, बड़ा मजा आ गया यार तेरा क्रियाक्रम देख के। मैं क्या सोचता हूँ इधर यूएसए में, मेरा मतलब है यहाँ उल्लासनगर में, तेरा अगर तेरे चार आर्टिस्टों को लेके यहाँ क्रियाक्रम कर दूं तो खर्चा कितना आएगा? प्रेम नाम है मेरा। मैं जब 15 साल का था तब मैं यूएसए में नौकरी करता था। यूएसए मतलब उल्लासनगर सेट था, आज भी है वो सेट मेरा, और बहुत दिलदार सेट है मेरा वो। तो मैं जब भी यूएसए जाता हूँ, मेरा मतलब है उल्लासनगर, जब भी मैं जाता हूँ उसकी दुकान जो है रास्ते में पड़ती है, बाद में मेरा घर पड़ता है, तो मैं उसको मिलने चला जाता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं उसको मिलने गया, बोला सेठ राम राम, कैसे हैं आप? बोला मैं अच्छा हूँ। अरे कौन? विश्वजीत। अरे कैसा है बेटा? मैंने कहा मैं एकदम ठीक हूँ। तो मुझसे मेरा सेठ कहने लगा, अरे यार तीन चार दिन पहले ही मैंने तेरा टीवी में क्रियाक्रम देखा, बड़ा मजा आ गया यार तेरा क्रियाक्रम देख के। मैं क्या सोचता हूँ इधर यूएसए में, मेरा मतलब है यहाँ उल्लासनगर में, तेरा अगर तेरे चार आर्टिस्टों को लेके यहाँ क्रियाक्रम कर दूं तो खर्चा कितना आएगा? मैंने कहा सेठ क्रियाक्रम नहीं, कार्यक्रम बोलते हैं, कार्यक्रम। सेठ ने देखा, बोला अभी तो मुंबई क्या पहुंच गया, वहां जाकर प्रेम चोपड़ा क्या बन गया, अब तू मुझे बताएगा किसको क्या बोलते हैं? हाँ, मैंने सोचा सेठ अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, तो मैंने बात को थोड़ा घुमा दिया। मैंने कहा सेठ ये सामने गले पे जो बैठा है ये कौन है? शंकर है, लच्छू है? तो सेठ ने कहा अरे ये अपना लच्छू है यार, लच्छू। मैंने बोला वाह लच्छू कितना बड़ा हो गया। सेठ ने कहा तू बड़ा हुआ क्या, लच्छू बड़ा नहीं होएगा क्या? मैंने कहा अच्छा लच्छू क्या करता है आजकल, बिजनेस में ध्यान दे रहा है? सेठ ने कहा बिजनेस में ध्यान दे रहा है, इसको भी एक्टर बनने का शौक है, ये भी बड़ा होके तेरे जैसा निकम्मा ही बनने वाला है। मैंने कहा एक्टर क्या निकम्मा होता है? फिर मेरे सेठ ने कहा अच्छा एक काम कर यार विश्वजीत, तेरा तो भाभी जी में डायलॉग बड़ा फेमस है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने बोला बस डायलॉग तक ही मेरे पास बहुत पैसा है, उसके बाद मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। हाँ बोलो क्या? बोला अब एक काम कर, तू लच्छू को फिल्म इंडस्ट्री में घुसा दे। क्या आज तू लच्छू को फिल्म इंडस्ट्री में घुसाएगा, कल तेरा टाइम खराब होगा तो लच्छू भी तेरे को कहीं ना कहीं घुसाएगा। एक दूसरे को घुसा घुसा के आदमी आगे बढ़ता है, जैसे करण जौहर और शाहरुख खान देखो कैसे आगे बढ़ गए। तो वैसे तुम और लच्छू भी एक दूसरे को घुसा घुसा के आगे बढ़ो। अब मैंने फिर बात को पलटी मारा, मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे लच्छू के लिए भी काम, उसको कहीं ना कहीं घुसा दूंगा मैं। फिर मेरा सेठ ने बोला चाय पिएगा? मैं बोला ऑफकोर्स पीऊंगा, आया हूं तो चाय तो पीऊंगा। तो मेरे सेठ ने कहा एक काम कर, वो चाय वाला तेरे को रोज याद करता है यार, वो मेरे को बोलता है जब भी विश्वजीत आएगा ना तो उसको तू मेरे पास भेज देना। तो मैं क्या बोलता हूँ विश्वजीत, तू चाय वाले के पास चला जा और उससे मिलके भी आ, और हो सके तो एक चाय तू ही लेके आ, उसको लगे आज भी तेरे में घमंड नहीं है, है ना, और हो सके तो एक चाय का पैसा उसके मुंह पे मार के आ, वैसे भी तेरे पास बहुत पैसा है ना। तो फिर अपन दोनों आधी आधी चाय पीते हैं, वो भी तू जबरदस्ती करता है तो, वरना मैं तो दो चाय पी के बैठा हूं। अब तू आया है मुंबई से यहां पर तो तू इतनी जबरदस्ती कर रहा है तो क्यों ना तेरी भी आधी चाय पी लूं मैं, ठीक है? मैंने कहा ठीक है मेरे सेठ, तुम सेठ हो, सेठ थे, सेठ ही रहोगे। अच्छा मेरे सेठ की और एक खासियत है, जब मैं इनके पास काम करता था ना तो ये क्या करते थे, सुबह सुबह एक रुपए की पापड़ी मंगाते थे मेरे से, बोलते थे जा एक रुपए की पापड़ी लेके आ और उसको बोलना कि मैंने बोला है, मेरे सेठ ने बोला है तो तेरे को थोड़ी मिर्ची भी डाल के देगा। तो मैं दुकानदार के पास जाता था, मैं कहता था एक रुपए की पापड़ी दो, इसमें मिर्ची भी डालो, इसमें कांदा भी डालो। तो वो पापड़ी वाला बोलता था एक काम करो इसमें मुझे भी डाल के ले चलो साथ में, तुम्हारा सेठ आज भी एक रुपए की पापड़ी खाता है। मैंने कहा क्या करो अभी उसकी आदत है। फिर मैं पापड़ी बंधवा के ले जाता था शॉप पे, तो मेरा सेठ सबको बुलाता था, पन्ना आजा बाबू नाश्ता कर ले, कन्नू आजा बेटा नाश्ता कर ले, अंकल आ जाओ नाश्ता कर लो।
अब वो चार जन जमा होते थे एक रुपए की पापड़ी, तो उनके मन में चलता था ये झापड़ी का एक रुपए की पापड़ी खिलाता है, और सब उसमें टूट पड़ते थे। और जब थोड़ी सी पापड़ी बच जाती थी ना, तो क्या करता था, ऐसे उठा के थोड़ा इधर उधर फेंकता था। तो एक ने बोला, यहां क्यों फेंक रहे हो? बोला, थोड़ा चीटियां भी खाएगी ना, दया धर्म भी तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर यही मेरा सेठ दोपहर को लंच करता था, और उसकी आदत थी 2 रुपए की दही मंगाता था स्टील की कटोरी में। तो मैं 2 रुपए की दही लाता था। अब वो जब भी दही के साथ रोटी डुबा के खाए, बाद में ऐसा करता था, फिर वो क्या बोलता था, क्या है, धंधे पे ध्यान देना चाहिए कभी भी। मुझे इतनी घिन आती थी, अच्छा अच्छा ठीक है, धंधे पे ध्यान है, आप खा रहे हो उस पे भी मेरा ध्यान है। फिर उसके बाद जब दही खत्म हो जाती थी और उस कटोरी में थोड़ी हल्की फुल्की ऐसे दही बचती थी, तो मुझसे क्या कहता था, एक काम कर यार, थोड़ी बहुत दही इधर उधर अटकी हुई है, वो बियर बार में जा, उस दुकान के ऊपर एक बियर बार थी, उधर से ठंडा पानी लेके आ, उसको बोल, मेरे सेठ ने बोला है ठंडा चिल्ड पानी ला। मैं वहां से गया, ठंडा पानी लेके आया। अब उसने वो ठंडा पानी जो कटोरी में आसपास ऐसे दही बची थी ना, उसके अंदर डाला और उसको खूब हिलाया। बोला, सेठ क्या कर रहे हो? बोला, खाना खाने के बाद लस्सी पीना बहुत जरूरी है, तो मैं अभी लस्सी पी रहा हूं, तू पिएगा? नहीं, आप ही पियो, मैं लस्सी पीऊंगा ना तो मैं सो जाऊंगा, फिर धंधा कौन करेगा, है ना, गिरा कहेंगे उनको कौन देखेगा। तो वो उसकी ऐसी लस्सी पीता था, मजा आ गया। जितना खाने में मजा नहीं आया उतना लस्सी में मजा आया, जितना दही में मजा नहीं आया उतना लस्सी में मजा आ गया। वाह, मैं बोला, क्या तुम्हारी लस्सी है, थैंक यू वेरी मच।